Hey, what's up guys? Welcome back to the vlog. और गाइस फिलहाल मैं खड़ा हूँ अपने चैनल पर और भाई कल की वीडियो आपने देखी होगी, कल तो गाइस कमाल ही हो गया था। D1 को बाकी सारे डॉग से मिलाने की कोशिश कर रहा था मैं और बाकी सारे डॉग्स ऐसे लड़ने लगे भाई जालों के अंदर अंदर से, ऐसा लग रहा था कि अगर खोल दिए तो भाई युद्ध ही हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने थोड़ी समझदारी करी। इसके बाद मैंने D1 सर को किसी से नहीं मिलवाया। कुल मिला के बात यह है कि सारे डॉग्स को D1 से मिलाने का हमारा प्लान चौपट हो चुका था पूरी तरह से। सो गाइस आज है मेरे पास एक नया प्लान। मैं सोच रहा हूँ कि आज D1 को नहीं उसके बेटे को मिलाएंगे भाई सभी डॉग्स से। वैसे यार जब कुछ दिन पहले अंशुल आया था ना और D1 का बेटा सांड के पीछे भाग गया था, तो अंशुल तो गाइस ये वाली बात कह रहा था कि D1 से भी ज्यादा एग्रेसिव उसका बेटा है। लेकिन एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि जैसे वो सांड के पीछे काटने के लिए दौड़ रहा था ना ऐसे ही बाकी सारे डॉग्स को भी काटेगा। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, तो एक तरह से मैं रिस्क ले रहा हूं। और वैसे मैं भी डायरेक्ट नहीं खोलने का, पहले मैं D1 के बेटे को बाहर निकालूंगा और उसके बाद देखूंगा कि वो कितना फ्रेंडली हो रहा है सबसे, और उसके बाद खोलूंगा बाकी सारे डॉग्स को। ठीक है D1, गाइस देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है बेटा, तू तो किसी से मिल नहीं पाया। ये जब भी बाहर घूमता है ना अकेले घूमता है। मैंने इसे इतना अच्छा मौका दिया था कल कि भाई घूम ले सबके साथ, दोस्ती कर ले सारी फीमेल से, लेकिन नहीं, इसे अकेले रहना ना तो अकेले रहेगा भी। सुन मेरी बात, जो तूने नहीं किया ना वो क्या पता तेरा बेटा कर दे। अब देखता जा तू। ये रहा D1 का लाल। ओ मैडम, अब यार ये बोलने दे तभी तो बोलूं। तो भाई ये रहा D1 का सुपुत्र, तो पहले इसे खोलते हैं और उसके बाद इसका बिहेवियर देखते हैं कैसा रहेगा बाकी सारे डॉग्स के साथ। खुश किस बात से हो रहा है तू? तुझे क्या पता आज क्या होने वाला है? समझ गया क्या तू? प्यारी समझ गई। बेटा देख सुन मेरी बात, तेरे पापा के तो बस की कुछ है नहीं, अकेले घूमता रहेगा देखो सांड। अगर तुझे दोस्ती करनी है तो तेरे पास आज मौका है, बहुत अच्छा। खरा उतरेगा? कह रहा है हाँ, चला जा। हाँ देखो 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 देखो, भाई बाप और बेटे दोनों एक जैसे हैं यार, खून पी के रख दिया उन्होंने तो मेरा यार। अच्छा खासा खोलता हूँ इन्हें, बाकी सारों से दोस्ती कर लेंगे, आपस में दुश्मनी कर लेते हैं यार। बताओ यार खुलते एक दूसरे को भोगने लग गए, पता नहीं क्या। मैं कल कह ही रहा था आपसे कि D1 और D1 के बेटे को एक साथ नहीं खोल सकते, बेशक बाप बेटे हूँ, लेकिन जब मर्द और मर्द सामने होते हैं ना भाई एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं वो। देखना यार क्या कर दिया, मतलब ये D1 इतना हरामी है, यहाँ से निकलने के लिए तैयार था उसे काटने के लिए। वैसे लोग बाग जो ये बात बोलते हैं कि कुत्तों की तरह क्यों लड़ रहे हो, तो सच में यार कुत्तों की लड़ाई तो बहुत ही बुरी होती है। अभी देख रहे थे आप, ये रहा यहाँ पे D1 और ये रहा यहाँ पे इसका बेटा, बीच में बेचारी जीना फंस रही थी, इसकी भी शर्म नहीं करी, एक दूसरे को भोंके जा रहे हैं। उसके कान क्यों फाड़ रहे हो यार? खो दिया मौका, हो गया खुश, है तो अपने बाप का ही बेटा, कर्म तो भाई उसके जैसे ही होंगे तेरे। ये हरामी खुद तो नालायक है ही, उसे और बना दिया ऐसे। ओए क्या चाह रहा भैया, इतनी गंदी तरह से इनकी लड़ाई हुई। पहले तो मैंने भाई डंडे से डराने की कोशिश करी इन्हें, और उसके बाद मैं चेयर ले आया, भाई चेयर ही मैंने आगे कर दिया ऐसे कर करके, जब जाके इसका बेटा हटा यहाँ से, नहीं तो भाई आज बाप बेटों में लड़ाई हो जाती। वैसे आजकल दुनिया में चल भी रहा है और क्या चल रहा है। क्या कहते हो गाइस, एक और मौका देना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ क्योंकि D1 को भी हमने कल दो मौके दिए थे ना, वैसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि बाप को दो मौके दे दिए और बेटा एक मौके के बाद ही जाल में बंद कर दिया। क्या करें क्या करें, जो कुत्ते कुत्तों की तरह लड़े ना। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि एक फीमेल को पहले खोल देता हूँ मैं, तो D1 का बेटा उसके चक्कर में लग जाएगा, D1 के पास नहीं जाने का, तो ये प्लान काम कर सकता है। तो गाइस चलो इसे ट्राई करते हैं आज। सो गाइस ये है D1 की बिटिया, मैं सोच रहा हूँ कि इसे खोल के देखते हैं, आएगी बाहर? आएगी? हे हिम्मत, इस बिचारी के लिए मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है। एक बात का डर है, अगर इस पर अटैक कर देना D1 के बेटे ने तो पापा जी सारे डॉग्स से मुझ पर अटैक करवा देंगे। गाइस ये तो खुल भी नहीं रही। आजा आजा आजा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आजा D1 की बेटी और उसकी बहना को खोल दिया बाहर, और अब देखा जाएगा जो भी होगा। बेचारी कितने आराम से घूम रही है, कहीं नालायक उसका आराम हराम में ना बदल दे यार। जा बेटा भाई आराम से। ओ उतरी उतरी उतरी। अरे अरे सही है सही है सही है सही है सही है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सही है भाई, खेल रहे हैं दोनों आपस में। भाई ये डर रही है इससे। अपनी बहन से तो बड़े ही प्यार से मिल लिया, अब किसी और फीमेल को खोल के देखते हैं। वैसे तो उसने अपनी बहन को बड़े प्यार से ट्रीट किया है, अब मैं सोच रहा हूँ जर्मन शेफर्ड को खोलने की, लेकिन पता नहीं यार डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आजा आओगी बाहर? आ जाओ। अरे उधर चल उधर चल, हराम डंडा ले लेता हूँ हाथ में। आजा Hey!
भाई जर्मन शेफर्ड से भी दोस्ती कर ली है डीवन के बेटे ने। डीवन देख देख के खिलसरा होगा। वैसे बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो यार सबसे मिलवाने में से। अब खोलूंगा रेड डोबरमैन को। जाओ मिल ले जल्दी। बंद कर रहा हूँ फिर मुझसे। जा जल्दी मिल ले उससे जा। अरे यार ये तो अपने आप ही आ गई। तो गाइस अब मैं खोलने वाला हूँ रेड डोबरमैन को। अरे भाई कब हर से कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा। अच्छा तो गाइस ये तो डर के मारे बाहर ही नहीं आ रही। आजा आजा। ये है भाई हमारे कैनल की सबसे तगड़ी फीमेल है। इसे देख के ये बाहर नहीं आ रही। लेकिन ओए 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 यार वो रेड वाली डोबरमैन बाहर नहीं आ रही थी ना। डीवन का बेटा उसके घर में घुस गया और ऐसा लग रहा था कि रेड वाली डोबरमैन को इसका बेटा पसंद नहीं आया और किसी भी पल लड़ाई हो सकती थी। तो मैंने उसे अंदर बंदी कर दिया। तो अब नंबर है भाई इसका, देख रहे हो, बीगल का। सारे डॉग्स तो वैसे इसकी हाइट के ही है लेकिन बीगल सबसे छोटी है। तो पता नहीं यार जब उससे मिलेगा तो पता नहीं क्या ही करेगा। तो देखते हैं बीगल को भी खोल कर देखते हैं। बीगल भाई कौन सी भौंक रही है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। चलो चल। गाइस बीगल को और डीवन के बेटे को तो अंदर बंद कर दिया मैंने। लेकिन अभी एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है गाइस। ये वाली जो डोबरमैन है भाई इसने जाल ही पार कर दिया। मैं नहीं मानता। गाइस देख लो जाल की हाइट कितनी है, मेरे शोल्डर तक आ रहे हैं भाई जाल। यार पता नहीं कैसे कूद गई यहाँ से। तो यार अब जल्दी जल्दी से मैं सारे डॉग्स को एक एक बार घुमा देता हूँ और उसके बाद सीधे निकलता हूँ घर पे। कल है छोटी दिवाली, परसों है बड़ी दिवाली। गाइस हमने कुछ बहुत ही मस्त प्लान कर रखा है दिवाली के लिए, तो स्टे ट्यून्ड। सारे डॉग्स को घुमा दिया है गाइस और अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा घर के लिए। सो गाइस आज घर पे फिर से अंशुल आ चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं राजनगर। और गाइस मैं आपको एक बार अपना घर दिखा देता हूँ। ये देख लो गाइस पूरी तरह से घर को सजा दिया है। गाइस राजनगर तो पहुंच चुके हैं। किट्टू कहाँ भाग रही है? ओ गाइस अंशुल जला रहा है यहाँ पे बम। भाई बोतल के चीथड़ उड़ा दिए। तो गाइस मैं चुका हूँ घर पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हूँ, ओवर एंड आउट।